दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो लाया हूं जो है एनटीपीसी के रिगार्डिंग। जिन बंदों का रिप्लाई नहीं आया है तो उसमें अप्लाई जरूर कर दे, क्योंकि वहां से सबका रिप्लाई आ रहा है। दोस्तों अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो अप्लाई कर दीजिएगा। जो इस वीडियो के लास्ट वाली वीडियो है, जब आप पूरी वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको वहाँ पता लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज की वैकेंसी की। दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है बहुत ही अच्छी फ्रेशर्स वालों के लिए। मैं पहले ही बता दूँ, ये सिर्फ रिक्रूटमेंट फ्रेशर्स वालों के लिए है, एक्सपीरियंस वालों के लिए नहीं है। यहाँ डिप्लोमा और बीटेक की कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो नोटिफिकेशन पढ़ के जानेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं होना है और ना ही कोई फीस है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी लास्ट डेट की है, सैलरी स्ट्रक्चर की, वो सभी मैं नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने सभी का रिज्यूम फॉर्मेट बना लिया है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। मैं होप सो कल तक अपलोड कर दूंगा एट एनी कॉस्ट, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से। और अभी जो मैंने बनाया है वो फ्रेशर्स वालों के लिए रिज्यूम फॉर्मेट बना दिया है, मतलब उसमें जो 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 सी ब्रांचेस है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और मेटलर्जी वाले यूज़ कर सकते हैं। सीएसआईटी वालों के लिए स्क्रिप्टेड अटैच कर दूंगा, लेकिन वो आप उसको एक बार क्वेरी कर लीजिएगा। दोस्तों आज की जो वैकेंसी है उसमें कोई भी एग्जाम और कोई फीस नहीं होने वाली है, तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल फॉलो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, शायद 5 मिनट लगते हैं क्या, नहीं शायद 5 सेकंड, वो भी नहीं 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं सब, वहां जाके ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको सारी अपडेट वहीं मिलेगी। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन जरूर कर दे, क्योंकि कोई भी अपडेट आपके हाथों से निकलने ना पाए। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों इंडियन रेलवेज, देखिए इंडियन रेलवेज के वैसे बहुत सारे पार्ट हैं। आज जो वैकेंसी आई है वो आई है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से। इरकॉन इंटरनेशनल एक PSU है, इसी के अंदर से ये जो है अभी इंजीनियर्स को हायर कर रहा है, कौन कौन से, डिप्लोमा और बीटेक वालों को। और यहाँ जो है फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, जो मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट है। लेकिन रुकिए, बहुत स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप सुनते के साथ ही भाग जाते हैं। ऐसा क्यों भागते हैं भाई, ऐसा क्यों ऐसा करते हैं? अप्रेंटिसशिप के क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपना लॉस करते हैं। इसीलिए आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप के लिए बिल्कुल ही नहीं आ चुकी है वैकेंसी, यहीं से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। लेकिन उससे पहले आपको नोटिफिकेशन रीड करा दूंगा किस किस के लिए, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा। एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, A01103 है। इसको अब नोटिफिकेशन को डायरेक्ट इसको ओपन कर लेते हैं। जो आपको अपने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है नोटिफिकेशन, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है इरकॉन। तो दोस्तों इसका हेड ऑफिस है साकेत न्यू दिल्ली में। इन्होंने जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये अप्रेंटिसशिप की जॉब है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अप्रेंटिसशिप की जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं, और इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आपको करना है कीजिएगा, नहीं अप्लाई करना है मत कीजिएगा, लेकिन मेरा काम है आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी गाइडेंस देना। दोस्तों जॉब करना कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, जॉब करना इजी भी होता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको यहाँ ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन कैसे करना होगा, अब अंगूर खट्टे हैं आपको ये तो पता लग जाता है, लेकिन क्यों खट्टे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं, आप लेके छोड़ के दिखाइए ना कि आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद मैं नहीं जा रहा हूँ, तब आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता लगेगा। लेकिन आप अगर अप्रेंटिसशिप ज्वाइन नहीं करते हैं, आप अपने लिए क्या क्या नुकसान कर लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप एक अच्छा बैकअप खो देते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक L&T, टाटा वहाँ वर्क करते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक साल बाद आपकी सैलरी 40-50 हज़ार रुपये होगी, सैलरी की अलग मैटर है, उसके अलावा आपका जो एज क्राइटेरिया है उसमें आपको बहुत आगे तक के जाने का चांसेस मिल जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हो जाएंगे, लिंक अच्छे हो जाएंगे। तो इसीलिए अप्रेंटिसशिप जरूर ट्राई किया कीजिए। दोस्तों ऑलरेडी ये 2022-23 में 10,262 करोड़ के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ऑनगोइंग चल रहे हैं। यहाँ किसके लिए कितनी वैकेंसी है, देखिए इन्होंने जो वैकेंसी निकाली ग्रेजुएट वालों के लिए, सिविल इलेक्ट्रिकल SNT, सिविल वालों के लिए 13, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 4 और SNT वालों के लिए 3। और इसमें क्या चाहिए, आपका BE BTech चाहिए। नेक्स्ट डिप्लोमा वालों के लिए भी सेम ही है, इसमें सिविल वालों के लिए 9, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2, SNT वालों के लिए 3, और इसमें क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। कौन कौन से ईयर वाले पास आउट है, सबसे पहले
पहले तो उससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी एज 18 इयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 इयर्स तक ही चलेगी। ग्रेजुएट वालों को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 10,000 रुपये और जो डिप्लोमा वालों को मिलेगी वो मिलेगी 8,500 रुपये और एससी एसटी वालों को अलग से नेगोशिएशन भी दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ एलिजिबल क्राइटेरिया देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूँ 2021, 2022, 2023 बैच वाले पास आउट हैं और 1 जुलाई तक आपकी एलिजिबिलिटी ये हो जानी चाहिए। मतलब देखिए 2021, 2022 और 2023 जिन्होंने पास आउट किया है, लेकिन इन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। क्या? एक तो आप कहीं भी 1 साल से ज़्यादा की आपकी जॉब नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप जब पास आउट हों 2021 से पहले के पास आउट ना हों। तीसरा, आपकी अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो यहाँ आपको 1 ईयर के लिए हायर किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि 1 साल बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी? आपको काम सीखने को मिलेगा। तो आपको मैं बताऊं कि बंदों को काम तक नहीं मिल पा रहा है और आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं तो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा अनॉइंग लगता है ये। तो इसीलिए ये यहाँ अप्लाई ज़रूर कर दी। बात कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट की, लास्ट डेट की। दोस्तों इसकी लास्ट डेट रहने वाली, ऑलरेडी ये ऑनगोइंग है, लास्ट डेट रहने वाली है 15th अगस्त और ये जो है ऑनलाइन के लिए 25th अगस्त है। और यहाँ आपको एड्रेस, लास्ट डेट ऑफ रिसीट, कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्वेस्टेड एनक्लोजर कॉर्पोरेट। दोस्तों आपको इसके लिए करना क्या होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, डायरेक्टली अप्लाई लिंक उन्होंने दे दिया है, आपको दिखा भी दिया था, अभी दोबारा भी दिखा दूंगा। स्टार्ट डेट क्या थी, तो ऑलरेडी ऑनगोइंग हो चुकी है 26 जुलाई को आया है। इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 15/8 मतलब 15 अगस्त और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन की है वो है 25 अगस्त। मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट सेप्टेम्बर तक यहाँ जॉब लग जाएगी और आपकी लाइफ सेट हो सकती है। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप इरकॉन के डायरेक्ट ऑफिशियल रिक्रूटमेंट @irkon.org पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहां अप्लाई कैसे करना है। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन पे आएंगे यहां से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन यहां से आपको अप्लाई करना है कैसे, अप्लाई ऑनलाइन, कहां ये आपको क्लिक नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो इस तरह की आपकी अब आप डिप्लोमा है तो आप इस पे अप्लाई कर दे अप्लाई ऑनलाइन, और बीटेक है तो इस पे अप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वालों को जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो इस तरीके की एक सीट नजर आ जाएगी। आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डाल देना है जो कि कैपिटल लेटर में डालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लास्ट नेम भी कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, फादर नेम डाल दीजिएगा, जेंडर आपका क्या है, कम्युनिटी क्या है, रिलीजन क्या है, आप माइनॉरिटी में तो नहीं है, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, एक्स सर्विस मैन है तो वैसे देख लीजिएगा इसको, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल PWD कैंडिडेट। इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस जो भी है आपका, परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम ही रखिएगा। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम रखना है। इसके बाद एक्सपीरियंस क्या है, देखिए एक्सपीरियंस वाले यहाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस मत डालिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसके साथ ERP कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्लेस आपका क्या है वो डाल दीजिएगा और यहाँ से टिक करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। बस इतना सा काम करना है, इतना सा ही आपको काम करना है, इसके बाद आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है मेरे हिसाब से, आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।